बिहार लोक सेवा आयोग ने 65वीं परीक्षा के नतीजे जो है वो आउट कर दिया है, यानी कि परिणाम अब आउट हो चुके हैं। आपको बता दें कि रोहतास के गौरव सिंह और बांका जिले की रहने वाली चंदा भारती ने इस परीक्षा में टॉप किया है। इसके रिजल्ट आप bpsc.bihar.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। इससे जुड़ी क्या कुछ जानकारी है हमारे पास, हम आपको बताते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि रोहतास के गौरव सिंह ने बीपीएससी टॉप किया है, वहीं बांका की रहने वाली चंदा भारती दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर नालंदा के वरुण कुमार। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 65वीं रिजल्ट संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट गुरुवार को ही जारी हो गया। इसमें रोहतास के गौरव सिंह ने टॉप किया है, वहीं दूसरे नंबर पर बांका की चंदा भारती रही है, जबकि तीसरे स्थान पर नालंदा के वरुण कुमार ने अपनी जगह बनाई है। बीपीएससी टॉपर गौरव सिंह की माँ शशि कुमारी उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पंचायत शिक्षिका है। पिता स्वर्गीय मनोज कुमार सिंह एयरफोर्स में जॉब करते हैं। बच्चों की कम उम्र में ही मनोज कुमार सिंह का देहांत हो गया था। टॉपर गौरव का दूसरा भाई अमन कुमार सिंह पंजाब के लुधियाना से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। वहीं बीपीएससी की सेकेंड टॉपर चंदा भारती बांका की रहने वाली है। वे गया बुटको में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। पिता विवेकानंद यादव गढ़वा में असिस्टेंट इंजीनियर है। माँ का नाम कुंदन कुमारी है। चंदा भारती के तीन भाई और एक बहन है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के 14 विभागों में कुल 423 रिक्त पदों के लिए परीक्षा हुई थी, जिसमें से 422 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया। इस भर्ती का इंटरव्यू अगस्त में हुआ था। इंटरव्यू के लिए 1142 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें 1114 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अनारक्षित वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ 532, अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ 515, EWUS के लिए 530, वहीं SC पुरुष के लिए 507, ST पुरुष के लिए 495 मार्क्स रहे हैं। परीक्षा में गौरव सिंह ने पहला स्थान हासिल किया है। मेरिट लिस्ट में चंदा भारती ने दूसरा स्थान हासिल किया। इन दोनों को बिहार प्रशासनिक सेवा आवंटित की गई है। राज्य में तीसरे स्थान पर रहे वरुण कुमार को बिहार पुलिस सेवा आवंटित की गई। बता दें कि बीपीएससी ने बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों के लिए 434 रिक्त पदों को भरने के लिए यह भर्ती प्रक्रिया आयोजित की थी। बीपीएससी 64वीं परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जून में जारी किया गया था। कुल 1454 उम्मीदवारों ने अंतिम परीक्षा पास की थी। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।